हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 7 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव है उसको लेके। देखो, राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरमैन है उनके इलेक्शन को लेकर यहाँ पे आर्टिकल है वो बेसिकली आया है। कंटेक्स्ट कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरीके की प्रोसीजर होती है राज्यसभा में जब उपसभापति का इलेक्शन है, चुनाव हो करना होता है। तो देखो, थोड़ी प्रोसीजर आपको बता दूं कि अभी करंटली कौन थे वो भी आपको थोड़ा मतलब एज ए पॉइंट के तौर पर थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई है क्या 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 चल रहा है। तो देखो, जो चेयरमैन होते हैं बेसिकली और राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनके द्वारा बेसिकली ये प्रस्ताव वो पारित किया जाता है कि हाँ भाई अब है चेयरमैन के डिप्टी चेयरमैन है इनका इलेक्शन करवाना है। तो मतलब वेंकटे नायडू है, उन्होंने पहले निर्णय लिया है अध्यक्ष ने कि हाँ भाई इलेक्शन वो करवाना है। तो 9 अगस्त को बेसिकली इलेक्शन है वो होने। अभी जो रिसेंटली थे पहले पोस्ट पे उपसभापति के पोस्ट पे वो थे पीजे कुरियन। तो पीजे कुरियन थे, इनका कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त है, वो हो गया था। तो अभी से सीटें वैकेंट पड़ी थी, तो अभी नई पोस्ट के लिए इलेक्शन है वो किए जाने हैं। तो बात करें हम इलेक्शन के लिए, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उपसभापति का जो इलेक्शन होता है ना, उसमें कोई भी गुप्त वोटिंग वगैरह नहीं होती है। बस ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि कोई भी गुप्त वोटिंग का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। मतलब ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। बाकी प्रोसीजर कुछ इस प्रकार होती है कि पहले जो सभापति आप बोल सकते हो कि अध्यक्ष होते हैं, वो बेसिकली निर्णय लेते हैं कि इस दिन इलेक्शन करवाने हैं। तो जैसे अभी निर्णय लिया गया है कि 9 अगस्त को उपसभापति का इलेक्शन करवाना है। इसके बाद में ये जो न्यूज है या ये जो पेपर वगैरह होता है, पेपर वर्क, ये जो महासचिव होते हैं उनके द्वारा बाकी जो अन्य सचिव होते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर अन्य सचिव ये सारी न्यूज है वो जो भी सांसद होते हैं उनको, रिलेवेंट सांसद को पहुंचा देते हैं। इसके बाद में प्रपोजल जारी किया जाता है। जैसे कि कोई भी इंसान है, मान लो कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मेरा कोई भी मुझे नॉमिनेट करेगा, मतलब एक सांसद है उसका सपोर्ट होना चाहिए तभी मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ये बेसिकली इसमें कंडीशन है वो होती है। बस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यही ध्यान रखना है कि उपसभापति का जो इलेक्शन होता है ना, उसमें गुप्त वोटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है अटल भूजल योजना के बारे में। तो देखते हैं अटल भूजल योजना के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बन जाता है। इसके साथ दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि 50% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है यहाँ पे, और 50% जो फंडिंग है वो आ रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो दोनों ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यही है। अब देखते हैं कि भाई अटल भूजल योजना लाई क्यों गई थी। देखो, हमारे देश में कुछ एरिया ऐसे जैसे महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, तो इन एरिया में क्या है कि पानी का बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोटेशन है वो किया जा रहा है। मतलब जो ग्राउंड वाटर है ना उसको बहुत ज़्यादा बाहर यूज है वो किया जा रहा है, इसलिए ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म होता जा रहा है और इसीलिए वहाँ पर समस्याएं और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। मतलब पानी की क्राइसिस के हालात हैं वो और ज़्यादा विकट होते जा रहे हैं। तो उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कम्युनिटी है उसका सपोर्ट लेके भाई जो पानी है इसको कंजर्व किया जाए, ग्राउंड वाटर इसको रिचार्ज वगैरह किया जाए, इन सारी बातों पे फोकस करने के लिए ही अटल भूजल योजना है वो लाई गई थी। तो इसमें क्या होगा कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं, रिवर डेवलपमेंट है और जो गंगा जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा तो बेसिकली लाई गई है। तो मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है कि अटल भूजल योजना वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये लाई गई है। पहला तो एक फैक्ट ये बन जाता है। इसके साथ ही अगली बात ही ध्यान रखनी है कि जो कम्युनिटी होती है सोसाइटी में, उस कम्युनिटी की हेल्प से वाटर मैनेजमेंट को इसमें फोकस किया जाएगा, जहाँ पे ग्राउंड वाटर का काफ़ी तेजी से एक्सप्लोरेशन है वो किया जा रहा है। ये ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने ये बेसिकली 5 सालों के लिए चलाई है, 2018-19 से लेकर 2022-23 के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए बन जाता है कि 5 साल के लिए अटल भूजल योजना चलाई है ताकि कम्युनिटी की हेल्प लेके जो वाटर मैनेजमेंट है हमारे देश में उसको किया जा सके। इसके लिए बेसिकली गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं। फंडिंग आपको ध्यान रखनी है कि स्टेट की कोई इसमें रोल नहीं है यहाँ पे, जो बेसिकली सारा काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली कर रही है। फंडिंग वगैरह वो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो करवा रही है। अब यूपीएससी एक तो ऐसे पूछ सकती है कि जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक की जगह आपको दे देगी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा दी जा रही है, या फिर और कोई ऑप्शन दे सकती है। तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना कि भाई वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो चलाए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है हुआ है भूमि राशि के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि जो भी लैंड एक्विजिशन होता है ना, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है लोगों को, या जो भी फार्मर्स वगैरह होते हैं और भी तरह के लोग, उनको पैसा मिलता है, वो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके अकाउंट में जाना चाहिए। इसके लिए भूमि राशि का प्रावधान है वो किया गया है। तो ये देखते हैं, ये जो एक पोर्टल बनाया गया है बेसिकली भूमि राशि का, जो बनाया गया है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। तो इसमें कंटेक्स्ट तो हमने थोड़ा मोटा मोटा देख लिया, अब हम देखते हैं कि भूमि राशि है ये कैसे तो पैसा जाएगा, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। देखो, जो लैंड एक्विजिशन मतलब जो भूमि अधिग्रहण होता है उसका जो पैसा है डायरेक्ट किसानों या जो भी लोग हैं मतलब जिनकी जमीन एक्वायर की गई है उनको पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर है वो बेसिकली किया जाएगा।
ये काम किया जाएगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से। अब ये जो भूमि राशि पोर्टल बनाया गया है, ये पोर्टल बेसिकली बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, है ना, उस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके साथ ही नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर है NIC, इन दोनों ने मिलकर इस पोर्टल को बनाया है। इस पोर्टल में होगा क्या, इस पोर्टल में सारा रिवेन्यू डाटा वो रहेगा। लगभग हमारे देश में 6.4 लाख गाँव का मोटा मोटा डाटा है, वो यहाँ पे रखा गया है डिजिटल फॉर्म में, ताकि जब भी लैंड एक्वायर किया जा रहा हो तो उससे संबंधित डाटा को यूज करते हुए जो पैसा है वो उन किसानों या जो भी मतलब हो गए लोग जिनकी जमीन एक्वायर की गई है उनके पैसे दिया जाए। तो ये बेसिकली इसका प्रावधान किया गया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं भूमि राशि, तो हमें पता चल गया कि भाई लैंड की लैंड एक्विजिशन का जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, उसको कहा गया है यहाँ पे भूमि राशि। अब देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। देखो PFMS है ना, ये बेसिकली एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है। मतलब हमारे देश में जो भी पेमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी पेमेंट किया जा रहा है किसी भी तरह का, उस पेमेंट को ट्रैक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी उसको अकाउंटिंग करने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए ये एक सिस्टम है वो बनाया गया है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन और उसको कंट्रोल करने का काम है वो किया जाता है। अब देखो इसमें दो तीन फैक्ट और हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो ये भूमि राशि पोर्टल बनाया गया है और ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें क्या है, जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ये बेसिकली आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। तो मतलब इसका जो प्रशासनिक कार्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है, वो तो आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। और इसके साथ ही जो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम है वो क्या जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो PFMS है ना, वो बेसिकली जो मनरेगा में पैसा दिया जाता है ना उसमें भी काम है वो करती है। मतलब मनरेगा का जो पैसा है वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और वो काम भी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। तो ये पॉइंट भी हमें थोड़ा ध्यान है वो रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेसिकली एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या करता है, पैसा ट्रांसफर करना हो गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी, वो बेसिकली काम इसके द्वारा किए जाते हैं। तो अभी जो भी लैंड एक्वायर की जाती है उसका पैसा तुरंत ट्रांसफर हो सके, इसके लिए भूमि राशि नाम से एक पोर्टल है वो बनाया गया है जो रोड मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। इसके साथ ही NIC ने मिलकर सारा सीन हमने अच्छे से डिस्कस है वो कर लिया है। देख लिया हमने कि इसका जो प्रशासनिक काम है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर रहेगा, क्योंकि भाई ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करा तो खर्चा ही तो करा ना, तो इसलिए एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में दे दिया इसको। और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। तो वो सारी चीज़ें हमने फैक्ट्स देख लिए। कुछ कुछ पॉइंट देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उन्हें मैं यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट हम आगे देखने वाले हैं वो देखते हैं डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी के बारे में। देखो डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी वो फेसबुक के द्वारा भी स्टार्ट की गई है, तो कंटेक्स्ट उसको लेके ही यहाँ पे है कि फेसबुक की हेल्प से हमारे देश में यूथ है उसको स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी वो लाई गई है। इसमें होगा क्या, फेसबुक है वो डिफरेंट टाइप के वीडियो लेक्चर है वो बनाएगी और उसकी हेल्प से जो स्टूडेंट है, आप बोल सकते हो यूथ है जो कि फेसबुक यूज कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म को, उनको वहाँ पे गाइडेंस है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही उनको स्किल बिल्ड करने के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह का सपोर्ट है वो सब वहाँ पे दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है उसका एक्सचेंज हो सकेंगे, यूथ वो आराम से टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकती है। जिस तरीके से देखो यूट्यूब पे वीडियो के द्वारा हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने भी एक लाइब्रेरी बनाई है जिससे हम काफ़ी वीडियो वगैरह को देख सकते हैं और हमें स्किल का नॉलेज है वो मिल सकता है। इसके साथ ही किसी को भी अगर हमने थॉट या कोई भी आइडिया शेयर करना है, उसके दिमाग में कोई भी क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया है, तो उसको भी यहाँ पे शेयर वो किया जा सकता है। और हमारे देश में इससे सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा डिजिटल लिटरेसी में, मतलब डिजिटल साक्षरता है उसमें हमें चांद चांद लगने में काफ़ी हद तक सहूलियत है वो होने वाली है। तो इसमें एक तो बेसिकली जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे वो ये बन सकता है कि डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी किसके द्वारा, फेसबुक गूगल वगैरह तो पूछे, तो हमें ध्यान रखना है कि भैया फेसबुक के द्वारा स्टार्ट है वो की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। तो वेस्ट नाइल वायरस है, इसका अभी एक्चुअली उम्मीद की जा रही है कि ये केरला में बेसिकली पाया गया है, क्योंकि देखो अभी शंका जताई गई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो वेस्ट नाइल वायरस है ये बेसिकली मॉस्किटो के काटने से होता है, मतलब मच्छर के काटने से होता है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। इसका इफेक्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम पे, मतलब हमारी न्यूरोलॉजिकल जो बीमारियां वो हमारे शरीर में हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोचने समझने की क्षमता का नुकसान हो सकता है और भी तरह के न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट है वो इसके हो सकते हैं। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम पे बेसिकली इफेक्ट है वो कर रहा है। अब देखो बात करते हैं इसकी स्प्रेड की कि भाई ये फैलता कैसे है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, बस अभी तक ये चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैलता है। बाकी इंसान से जानवरों में फैल सकता है, जानवरों से इंसानों में फैल रहा है, बट एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में स्प्रेड होने का अभी तक कोई भी प्रूफ है वो नहीं मिला है। बेसिकली जो इसे
जो होते हैं मच्छर वगैरह, अगर वो कोई भी पक्षी वगैरह को बाइट कर लेते हैं तो उस मच्छर से जो भी पक्षी होगा उसके अंदर इसके वायरस, ये नीला वायरस आ जाएगा। इसके साथ ही फिर वो बर्ड है, अगर वो कहीं भी किसी ह्यूमन वगैरह के टच में आ रहा है तो उससे ह्यूमन में भी बेसिकली फैल जाता है। तो मतलब बर्ड्स वगैरह हुए, घोड़ों वगैरह में भी फैलता है, इसका ह्यूमन के अंदर भी बेसिकली फैल जाता है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करें वेस्ट नाइल वायरस की, कहाँ कहाँ ये बेसिकली पाया जाता है। तो देखो अफ्रीकन कंट्रीज में बेसिकली इसका ओरिजिन है, वो था युगांडा में। बात करें यूरोप के अंदर भी ये काफी मात्रा में पाया जाता है, मिडिल ईस्ट में भी, इसका नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट एशियन कंट्रीज में बेसिकली ये पाया हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया है वहां पे बेसिकली नहीं पाया जाता है, बट इंडिया में इसका एक अभी केस है वो मिलने की बात हो की जा रही है केरला में। तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। नर्वस सिस्टम पे या न्यूरोलॉजिकल बीमारियां से होती हैं, मॉस्किटो के काटने से बेसिकली फैलता है और ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, ये ध्यान रखनी है, बाकी जानवर से इंसान वगैरह में फैलता रहता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। देखो कंटेक्स्ट ये है कि AIBD एशिया पैसिफिक जो इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है ना, इसका अभी इंडिया को चेयरपर्सन या इसका प्रेसिडेंट इंडिया को सिलेक्ट है वो किया गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि भाई एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है क्या। देखो बात ऐसी है कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है वो चलाया गया था बेसिकली यूनेस्को के द्वारा। इसका काम क्या था, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जो कमीशन था इसका मेन मोटो यह था कि एशिया और पैसिफिक वाला एरिया ना इसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए जाए, सोशल रिफॉर्म है उनको डेवलप करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था। अब इसके अंदर ही बेसिकली एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है वो बनाया गया था और उसका अभी इंडिया एक तरीके से मेंबर है, वो इलेक्ट हुआ है, या इसका आप बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट के तौर पर इंडिया को इलेक्ट है वो किया गया है। ये तो हो गया इसका कंटेक्स्ट। अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई AIBD है क्या। देखो इसे 1977 में बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा, बेसिकली इसका प्रस्ताव है वो लाया गया था। यूनेस्को के बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी कि भाई यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो एजुकेशन के सेक्टर में भी काम करती है, साइंस के सेक्टर में, मतलब बहुत डिफरेंट से सेक्टर हैं, उनकी डायरेक्शन में बेसिकली ये काम है वो करती है। इसके साथ ही ये ध्यान रखना है कि AIBD है वो बेसिकली रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट है, मतलब एशिया और पैसिफिक वाले जो रीजन की कंट्रीज हैं उनका एक रीजनल ग्रुप बेसिकली यह है जो कि यूएन के द्वारा बेसिकली सपोर्टेड हो जाता है, क्योंकि जब यूनेस्को द्वारा सपोर्टेड है तो ऑब्वियसली यूएन द्वारा भी सपोर्टेड हो रहा है। जो इस बार की बात करें इसकी होस्टिंग की, वो की गई थी मलेशिया गवर्नमेंट के द्वारा और इसका जो सेक्रेटेरिएट है AIBD का वो बेसिकली है कुआलालंपुर। आप ये बताइए कुआलालंपुर है कहाँ पे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही अहम चीज़ ये ध्यान रखनी है कि देखो जो एशिया पैसिफिक वाला एरिया है ना, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, इसके लिए माहौल तैयार करना, नई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनका प्रोडक्शन बढ़ाना, इन सब के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है वो बेसिकली इसके द्वारा क्रिएट है वो किया जाता है। इसी के साथ हम बात करें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं IPR राइट, उनको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट NGO है वो भी यहाँ पे आपके आपस में कोलाबरेट करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी आपस में आके मिलके काम है वो करती हैं, मतलब केवल कंट्रीज ही काम नहीं करती यहाँ पे, कंट्री के अलावा NGO भी साथ आते हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर आके। मेन मोटो इसका यही होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए इन्वायरमेंट तैयार करना ताकि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है वो हो सके, तो इकोनॉमिक और सोशल दोनों ग्रोथ को यह सुनिश्चित है वो करता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। इसके साथ इसके बात करें मेंबर की तो उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ना ITU, उसके द्वारा और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP और इसी के साथ ही यूनेस्को, ये बेसिकली इसके फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इन तीनों ने बेसिकली इसको मिलकर बनाया गया था। बट ये जब भी इसकी जनरल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें वोटिंग नहीं रहती है, ये आपको ध्यान रखनी है कि नॉन वोटिंग मेंबर है वो, मतलब जब भी इसकी जनरल कोई मीटिंग हो रही है कॉन्फ्रेंस उसमें ये तीनों ही ITU यूनेस्को और UNDP हैं वो इसमें वोट वगैरह नहीं देती हैं, बट जबकि बनाया इन्हीं के द्वारा गया था। इवन बात किया जाए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU, वो भी इसका एक फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुल मिला के बात क्या हुई, ITU प्लस UNDP प्लस यूनेस्को प्लस ABU, ये चारों इसके ऑर्गेनाइज मेंबर है, मतलब इन्होंने इसको फाउंडिंग मेंबर के तौर पर चुना था या फाउंडिंग इसकी स्थापना है वो की थी। बट ये चारों ही इसके जनरल वोटिंग में, जनरल जब भी मीटिंग होती है उसमें वोटिंग नहीं करते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाती है। अब बात करें इसके फुल मेंबर की, तो देखो फुल मेंबर है वो बेसिकली यहाँ पे ही जो इसके मेंबर होते हैं उनके आधार पे इनको सिलेक्ट है वो किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है उसके आधार पर इनको सिलेक्ट है वो किया जा रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि ITU UNDP और यूनेस्को ने बेसिकली मिलकर बनाया गया था, इसके साथ ही एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है उसने भी यहाँ पे सपोर्ट है वो किया था इसको बनाने में, बट ये चारों ही इंस्टीट्यूट हैं वो इसकी जनरल कॉन्फ्रेंस में वोटिंग वगैरह नहीं देते हैं। देखा जाए तो अभी तक टोटल 26 इसके फुल मेंबर कंट्रीज हैं,
34 ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं, इसके 67 एफिलिएट मेंबर्स हैं, इसके बात की जाए 101 रिप्रेजेंटेटिव हैं, 48 कंट्री, तो मतलब डिफरेंट जो स्टेक होल्डर हैं वो भी इसमें शामिल हैं, एनजीओ ग्रुप वगैरह, तो वो सब हमें याद रखने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखो तेलंगाना है वो एक्चुअली इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है या उसके लिए पॉलिसी बनाई है। इंडिया का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट के नाम पे आपको ध्यान रखना है तेलंगाना का, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है हमारे लिए कि तेलंगाना में ये स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। देखो एक टेक महिंद्रा कंपनी है, उसने क्या किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है और उसके आधार पे वो बेसिकली हैदराबाद को और जो सिटीज़ हैं उनको बेसिकली एक ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट के तौर पे पॉइंट है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो करना चाहती है। जैसा कि हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था कि बेसिकली है जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना बिटकॉइन, इसके अंदर यूज़ की जाती है, काफ़ी सेफ होती है, ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं, मतलब इनको हैक करना नामुमकिन होता है, बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। उसके आधार पर गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ताकि जब भी जो हैकर्स वगैरह हैं वो ऐसे अटैक ना कर सकें, और इसी तर्ज पर टेक महिंद्रा कंपनी ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है और वहाँ पे स्टेप हैं वो उठाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मतलब इसे करप्शन में भी मुक्ति मिलेगी, इसके साथ ही सिटीजन्स को भी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया और उन्होंने पॉलिसी बनाने की बात है वो की है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया छोटा सा वो है इम्प्रिंट स्कीम के बारे में। तो कंटेक्स्ट है कि इम्प्रिंट जो स्कीम थी ना इसका सेकेंड फेज या इसका बोल सकते हो कि सेकेंड वर्जन है वो भी लॉन्च किया है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं भाई कि इम्प्रिंट है उसका फर्स्ट वर्जन क्या है। इम्प्रिंट का मतलब है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्टिंग है वो की गई थी। इसका सीधा सीधा मोटो आपको बताऊं तो हमारे देश में रिसर्च को प्रमोट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना, इन सब कामों के लिए बेसिकली ये स्टार्ट है वो की गई थी इम्प्रिंट स्कीम का। मेन मोटो ये था सिर्फ आपको कि जनरल साइंस होगी, इंजीनियरिंग होगी, इस वाले एरिया में ज़्यादा फोकस करना, वुमेन को एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पे पॉइंट है वो आ जाता है। इसके साथ ही बात करें कि हमारे देश में ग्रोथ और जो सेल्फ रिलायंस, मतलब हमारा देश खुद पर आत्मनिर्भर बने, ऐसा नहीं हो कि हमें बाहर की कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़े ग्रोथ वगैरह के लिए किसी काम के लिए, उसके लिए बेसिकली इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। आप एक तरीके से सीधे वर्ड में आपको बोलूं तो ये कह सकते हो कि हमारे देश में इंजीनियरिंग चैलेंज और साइंस का जो एरियाज हैं इसमें रिसर्च इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव था। और अब इम्प्रिंट जो सेकंड वर्जन है इसका IMPRINT का, इसमें क्या कि एडवांस रिसर्च पे फोकस किया गया है। इसके साथ ही हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को बनाने की फोकस कर रही है, मतलब 20 इंस्टीट्यूट उसमें सेलेक्ट किया गया है, 10 गवर्नमेंट है और 10 प्राइवेट हैं। उसी तरह से बात यहाँ पे की जा रही है कि उनको हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट है वो लेके आई है, जैसे कि एनर्जी के प्रोजेक्ट लाए गए अभी, सिक्योरिटी हुई, हेल्थ केयर हुए, एडवांस मटेरियल्स हुए, ICT हुई, सिक्योरिटी हुआ, डिफेंस डोमेन्स हुए, मतलब इन सेक्टर में नए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आई है और उनको यहाँ पे बिल्डअप है वो किया जाएगा। तो पहले में क्या था इम्प्रिंट, पहले में वर्जन में तो ये था कि भाई सीधी सी बात यह कि हमारे देश में रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करना है। दूसरे में क्या हुआ कि नहीं नहीं भाई रिसर्च इनोवेशन तो प्रमोट हो रही है, थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट की तरफ भी फोकस करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट लेके आई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, उन सबको फोकस है यहाँ पे किया जाएगा। तो बेसिकली इसके बारे में न्यूज़ थी। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।